हाय फ्रेंड्स, मैं इंडिया वर्ल्ड्स नॉलेज ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। मैं अभी आपको जैम में सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म कैसे फिलअप करना है मैं आपको क्रिएट करने के लिए बता रहा हूँ, प्रोसेस बता रहा हूँ। आप देख सकते हैं, ये सबसे पहले अपना कंपनी का आप लेटर हेड पे सेल्फ डिक्लेरेशन मेंशन करना है। उसको काइंडली बोल्ड कर सकते हैं और उसमें मेंशन कर सकते हैं कि दिस इज़ टू सर्टिफाई दैट वी कंपनी नेम, जैसे मैं कंपनी का नाम है इंडिया वर्ल्ड्स टैक्स सॉल्यूशन, ठीक है, वो कंपनी नेम मेंशन करना है, ठीक है, उसमें और सेल्फ डिक्लेरेशन में डिटेल्स डालना है। दिस इज़ टू सर्टिफाई दैट वी इंडिया वर्ल्ड्स टैक्स सॉल्यूशन हैज़ नॉट बीन ब्लैकलिस्टेड, हैज़ बीन नॉट ब्लैकलिस्टेड, नॉट हैज़ नॉट बीन ब्लैकलिस्टेड और डिबार्ड फॉर एनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और PSU ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लास्ट 5 ईयर्स, टेन्योर ऑफ 5 ईयर्स। देख सकते हो दोस्तों, ये आपका कंप्लीट बन चुका है सेल्फ डिक्लेरेशन, ठीक है, ये बोल्ड हो रहा है कंप्लीट सेल्फ डिक्लेरेशन, ठीक है, ब्लैकलिस्टेड। देख सकते हैं दोस्तों, दिस इज टू सर्टिफाई दैट वी इंडिया वॉज टैक्स सॉल्यूशन हैज नॉट बी ब्लैकलिस्टेड डिबार्ड फॉर एनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और PSU ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। इसको इस साइड ला देना। इस पेज नहीं दिला रहा। देखिए दोस्तों, ये हम लोग ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म बना चुके हैं कम्प्लीटली, ठीक है, इसमें मेंशन है दिस इज टू सर्टिफाई दैट वी इंडिया हाउस टैक्स सॉल्यूशन हैज़ नॉट बीन ब्लैकलिस्टेड और डिबार्ड फॉर एनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और PSU ड्यूरिंग द टेन्योर फॉर ऑफ लास्ट ईयर्स। स्टेप का आप लोग को भी दोस्तों सेल्फ डिक्लेरेशन यदि बनाना हो तो सेम एज इट इज़ ऐसे मेंशन कर सकते हैं थ्रू जैम पे, जैम पोर्टल पे। और ये मेंशन करने के बाद आपको क्या है कि जैम पे आपको ये सर्टिफाइड करेंगे कि ये जैम में ऑलरेडी रजिस्टर्ड है और ये डिबार्ड नहीं हुए हैं। थैंक यू दोस्त, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल्स। दोस्तों, लेटेस्ट अपडेट मैं आपको अपडेट करने वाला हूँ, ठीक है ना। आदि कोई भी जैम से रिलेटेड इंक्वायरीज हो तो आप बता सकते हैं, मैं आपको शेयर करूँगा एनी काइंड ऑफ रिलेटेड इंक्वायरीज। थैंक यू।